जब लोग मेरे पास न्यूट्रिशन काउंसलिंग के लिए आते हैं तो अक्सर मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, मैडम मुझे वेट लूज करना है तो मैंने वेजिटेरियन खाना एकदम बंद कर दिया, और दूसरी तरफ मैडम मुझे प्रेगनेंसी हो गई है, सबने बोला आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ तो मैंने अंडे खाने शुरू कर दिए, मुझे अंडे बहुत गंदे लगते हैं पर फिर भी प्रोटीन के लिए करना तो पड़ेगा ना। अरे भाई, ना वेट लॉस इतना सिंपल है ना न्यूट्रिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर मेधा कपूर, और आज हम न्यूट्रिशन की दुनिया में सबसे ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वेजिटेरियन डाइट वर्सेस नॉन वेजिटेरियन डाइट, विच इज़ बेटर। देखिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपने अक्सर ये टॉन्ट सुने होंगे कि आप घास फूस शाही पनीर और दाल मखनी के अलावा कुछ नहीं खाते, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आपकी लाइफ आसान नहीं होगी। ज़रूर सुना होगा कि क्यों भाई अपने पालतू कुत्ते से इतना प्यार और बेचारी मुर्गी पे इतना अत्याचार, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। एनीवे, आज हम एक बहुत ही साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन डाइट के बारे में, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात करने वाले, और सारी मिथ्स को और सारे सवालों को एक बार में ही खत्म करने वाले हैं। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो को आगे देखें, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, नॉन वेजिटेरियंस क्या होते हैं ये तो हम सब जानते हैं, पर जो वेजिटेरियंस हैं उनकी चार टाइप्स होती हैं, चार सब टाइप्स होती हैं। पहली, ओवो लैक्टो वेजिटेरियंस, यानी कि जो एक प्लांट बेस्ड डाइट तो लेते ही लेते हैं, साथ में ओवो यानी कि अंडा, लैक्टो यानी कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स भी लेते हैं। दूसरी टाइप हुई लैक्टो वेजिटेरियंस, जी हाँ, जो कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं पर अंडा नहीं खाते। तीसरी टाइप हुई वीगन्स, ये वीगन्स जो हैं ये प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं और एनिमल से कुछ भी नहीं लेते, एज इन ये लोग शहद भी नहीं खाएंगे, क्योंकि शहद जो है मधुमक्खी से आता है जो कि एक लिविंग क्रीचर है अदर देन प्लांट, और ये लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, यानी इनकी डाइट में दूध दही और पनीर भी नहीं होता। और चौथे हैं फ्लेक्सिटेरियंस, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रिडोमिनेंटली तो वेजिटेरियंस होते हैं पर स्पेशल ओकेजन्स पे या फिर अपनी कंट्री से बाहर ट्रैवल करते वक्त ये लोग नॉन वेजिटेरियन फूड्स खा लेते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल, पहला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि क्या वेजिटेरियन डाइट प्रोटीन में डेफिशिएंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एथलीट्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लगभग 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट, यानी कि अगर मेरा वेट 50 केजीज है तो मेरी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी 50 × 0.8, जो कि हुआ 40 ग्राम। तो अगर हम प्रोफेशनल एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स या फिर स्पोर्ट्समैन की बात करें तो इनकी जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो हमसे ज़्यादा होती है। इनफैक्ट प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा होती है। पर गुड न्यूज़ इज़ कि हमारी वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन के बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स, दालें, अनाज एंड नट्स एंड सीड्स। अगर हमारी डेली डाइट में ये सारी चीज़ें हैं तो उस केस में हम बहुत आराम से वेजिटेरियन डाइट से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं, और हमें उसके लिए नॉन वेजिटेरियन डाइट पे स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि क्या वेजिटेरियन डाइट में कुछ विटामिंस एंड मिनरल्स की कमी होती है? तो जी हाँ, अगर हम कंपेयर करें नॉन वेजिटेरियन डाइट से तो वेजिटेरियन डाइट में जिंक के, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के और विटामिन B12 के जो सोर्सेज हैं वो कम है रिलेटिवली एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट्स। हाउएवर, अगर हम वेजिटेरियन डाइट में कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना ध्यान रखें तो उस केस में ना हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है ना ही नॉन वेजिटेरियन डाइट की। फॉर एग्जाम्पल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए हम वॉलनट्स यानी कि अखरोट खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, और सोए मिल्क या सोए चंक्स भी खा सकते हैं, और टोफू भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर हम बात करें जिंक के बारे में तो ये नट्स और सीड्स में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो अगर आप रेगुलरली अपने सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स और नट्स खा रहे हैं तो उस केस में आपकी जिंक की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है। और जो विटामिन B12 है वो, जैसा कि मैंने बताया कि एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, तो अगर आप डेयरी ले रहे हैं यानी कि दही ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, तो उससे आपको एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन B12 मिल जाएगा।
जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो वीगन्स के लिए एक कंसर्न है, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, तो उनके केस में सप्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो जो स्टेट्स की अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स है, उन्होंने 2016 में अपनी पोजिशन स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक जो एडिक्वेटली प्लान्ड, प्रॉपरली प्लान्ड वेजिटेरियन डाइट है वो सारे न्यूट्रिएंट्स में सफिशिएंट है। इनफैक्ट सारी जो लाइफ की कंडीशंस हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशन हो, चाइल्डहुड हो, इन्फेंसी हो, एडल्टहुड हो, या फिर जेरियाट्रिक पॉपुलेशन हो, हमारी बूढ़ी पॉपुलेशन, सबके लिए वेजिटेरियन डाइट्स जो हैं वो न्यूट्रिशनली एडिक्वेट है, प्रोवाइडेड वो प्रॉपरली प्लान्ड हो। इनफैक्ट उनकी काफ़ी हेल्थ एडवांटेजेस हैं ओवर नॉन वेजिटेरियन डाइट इफ दे आर एडिक्वेटली प्लान्ड। तो ये एडिक्वेटली प्लान्ड टर्म का मतलब क्या है? तो दोस्तों, अगर हम एक आइडियल बैलेंस डाइट की बात करें तो उसके 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक फ्रूट्स, एक वेजिटेबल्स, डेयरी, प्रोटीन सोर्सेज और सीरियल। तो अगर हमारी डाइट में ये 5 फूड ग्रुप्स मौजूद हैं और सही क्वांटिटीज़ के अंदर हैं, तो उस केस में जो वेजिटेरियन डाइट है उससे हमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिंस, मिनरल्स, वो मिल सकते हैं। इनफैक्ट इसके काफ़ी हेल्थ एडवांटेजेस भी हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि वेजिटेरियन डाइट शुड बी एडिक्वेटली प्लान्ड एंड इट विल बी एबल टू प्रोवाइड अस विद ऑल द विटामिंस एंड मिनरल्स दैट वी नीड। तीसरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या वेजिटेरियन डाइट स्लिमिंग है? क्या वेजिटेरियन डाइट खाने से वेट लॉस होता है? तो देखिए, इसका तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर हम एक्सेस में कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, चाहे वो वेजिटेरियन फूड से हो, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन फूड से हो, और जो हमारा कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो उससे कम होगा, तो उस केस में हम वेट गेन करेंगे ही करेंगे। हाउएवर, ये बात बिल्कुल सही है कि जो वेजिटेरियन डाइट है वो लो कैलोरी डाइट्स होती हैं, प्लस उसमें सैचुरेटेड फैट का कंटेंट काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वेजिटेरियन डाइट वेट लॉस के लिए अच्छी है, पर वो कई तरह की बीमारियाँ जैसे कि हार्ट डिजीज़, कुछ तरह के कैंसर्स, PCOD, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हाई ब्लड प्रेशर, इन सबको फाइट करने में भी हमारी मदद करती है। पर ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम वेजिटेरियन फूड के नाम पे क्या खा रहे हैं। चौथा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि क्या नॉन वेजिटेरियन डाइट्स खाना हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है? तो जी हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे कि आंसर बिल्कुल स्पष्ट है कि हाँ, अगर आप एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचें तो नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंटली फ्रेंडली नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब हम एनिमल्स को रियर करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीट, तो जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कि मीथेन, इन सब का एमिशन 18% कॉन्ट्रीब्यूट होता है जस्ट बाय रियरिंग द लाइव स्टॉक। जी हाँ, जो खाने के लिए हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रेज किया जिससे कि हमें मीट मिल पाए, उससे 18% कॉन्ट्रीब्यूशन आया जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन का। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आप जानते ही हैं कि ये वो गैसेस हैं जो कि हमारे ग्लोब के टेम्परेचर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और जिनके एमिशन के ऊपर रोक लगाने की हमारी सरकार और ग्लोबली सारी सरकारें जो है बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। तो जी हाँ, अगर हम स्ट्रिक्टली एनवायरनमेंट के स्टैंड पॉइंट से बात करें तो जो वेजिटेरियन डाइट्स हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा सस्टेनेबल हैं और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कम हार्श हैं। तो दोस्तों, अब बारी है मेरे फाइनल वर्डिक्ट की कि वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट में से कौन सी ज़्यादा अच्छी है। तो वेल, मैंने आपके साथ सारे फैक्ट शेयर कर लिए हैं और ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप वेजिटेरियनिज्म फॉलो करना चाहते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन खाना खाना चाहते हैं। हम वेजिटेरियन होना चाहते हैं या नॉन वेजिटेरियन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे कल्चरल बिलीफ्स क्या हैं, हमारे रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं, हमारा फूड कल्चर क्या है, टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या है, हम एनवायरनमेंट के इश्यूज़ को लेकर कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, या फिर हम एनिमल राइट्स को लेकर कैसा फील करते हैं, तो ये कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल चॉइस है। और हाँ, हेल्थ कंसर्न्स भी डेफिनेटली डिक्टेट करते हैं कि हम वेजिटेरियन डाइट लें या नॉन वेजिटेरियन डाइट लें। सो दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। पर मैं आपको साइंटिफिकली एक बात बताना चाहती हूँ कि चाहे आप वेजिटेरियन डाइट लें, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लें, दोनों ही हेल्दी हो सकती हैं, दोनों ही न्यूट्रिशनली एडिक्वेट हो सकती हैं, प्रोवाइडेड कि आप एक बैलेंस्ड, वेल राउंडेड डाइट ले रहे हैं और ठीक से एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए, अगर वेजिटेरियन डाइट के नाम के ऊपर आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, चिप्स खाएंगे, फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, पेस्ट्रीज खाएंगे, केक्स खाएंगे, कुकीज़ खाएंगे, बिस्किट, भुजिया, चिप्स, रस्क, ये सब खाएंगे, तो उस केस में वेजिटेरियन डाइट आपको कोई वेट लॉस के बेनिफिट्स या फिर ब्लड प्रेशर ना बढ़ने के बेनिफिट्स या आपके लिए हार्ट हेल्दी नहीं रहेगी। तो अगर हम नॉन वेजिटेरियन डाइट के बारे में भी बात करें, तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे,
कोल्ड कट्स एंड कोल्ड स्टोरेज वाले नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाएंगे, फ्रोजन फूड्स खाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा रेड मीट खाएंगे, तो उस केस में नॉन वेजिटेरियन डाइट से जो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एडवांटेज मिल रही थी कहीं ना कहीं, या ज़्यादा प्रोटीन्स मिल रहे थे, उससे ज़्यादा आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, ज़्यादा सोडियम लेकर, ज़्यादा प्रेजर्वेटिव लेकर और ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स खाकर। तो आप चाहे वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, चाहे नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि वो जितनी ज़्यादा नेचर के करीब हो उतना ज़्यादा अच्छा, जितनी कम उसमें प्रोसेसिंग हो उतना अच्छा, और जितनी डाइवर्सिटी रख सकें उतना ज़्यादा अच्छा। तो दोस्तों, खाने में ही नहीं, अपनी लाइफ के हर आस्पेक्ट में बैलेंस स्ट्राइव कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। इसके फिजिकल ही नहीं, मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो पक्की बात है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ उस पसंद को एक्सप्रेस कीजिए ना। डू लाइक द वीडियो, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए कि ऐसा एक YouTube चैनल एग्जिस्ट करता है जहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक बातें की जाती हैं पर आसान भाषा में। सो गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। तब तक के लिए ईट राइट एंड कीप मूविंग।